गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारी जो आर्थिक प्रणाली थी और जो हमारा नियोजन था उसमें दो तीन चीजें पढ़ ली, जैसे हमने राज्य आय पढ़ ली, सकल घरेलू उत्पाद पढ़ लिया, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र पढ़ लिया, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है वो पढ़ लिया, और बाद में जो राष्ट्रीय जो गणना की गई है आय की, जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई है विभिन्न तरीके से वो हमने पढ़ी। व्यवस्था के क्षेत्र अर्थात जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किन किन क्षेत्रों से बनती है, किन किन क्षेत्रों से मजबूत होती है और कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहलाते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था की गतिविधियां कहलाती है। अब ये जो गतिविधियां हैं इनको आप अनेक तरीके से समझते हैं, अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो गतिविधियां होती है उनके आधार तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की बात करो, चाहे से भारत की बात करो, चाहे अमेरिका की बात करो, किसी भी देश की बात करो, उसके जो क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के उनके आधार पर उस अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, उस अर्थव्यवस्था का पता लगाया जाता है कि किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका योगदान रहता है। हम कह सकते हैं इनको गतिविधियां भी कह सकते हैं, इनको गति विद्या कह सकते हैं, इसको क्षेत्र कह सकते हैं, इसको क्रिया कलाप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो अर्थव्यवस्था आप जानते हो किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है तुम्हारे 9th क्लास में का अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थ की व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थ की जो व्यवस्था होती है किस तरीके से उसका नियोजन किया जाता है उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या हुआ कि अर्थ की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखें कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो कितने हैं, तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र हैं तीन, कितने हैं तीन क्षेत्र हैं। अर्थात जो अर्थव्यवस्था हमारी इस अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र को में विभाजित किया गया है, तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, तीन क्षेत्र को में डिवाइडेशन किया गया है। अर्थात जो क्रियाकलाप होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, तीन तरीके की गतिविधियां होती है, तीन तरीके के क्षेत्र पे होते हैं। अब हम उन क्षेत्रों को पढ़ेंगे कि ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस तरीके से हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये अर्थव्यवस्था के जो तीन क्षेत्र हमने डिवाइडेशन किए हैं ये इनके क्रियाकलापों के आधार पर अर्थात मनुष्य को जिस प्रकार से उपयोग में लेता है, जिस प्रकार से कार्य करता है उसके आधार पर इन क्षेत्रों को बांटा गया है। सबसे पहले तो आप नाम देख लीजिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये तीन क्षेत्र हो गए आपके जिसको हम बोलते हैं पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा उसे हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। अर्थात जो क्षेत्र है अर्थात जो क्रियाकलाप है अर्थात जो गतिविधियां वो तीन तरीके से होती है। देखिए ये जो होता है ना ये प्राथमिक है, इस प्राथमिक को बोलते हैं प्राकृतिक या कृषि क्षेत्र, इसको हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कृषि क्षेत्र, कृषि प्राकृतिक या कृषि एवं सहायक क्षेत्र अर्थात हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कृषि क्षेत्र लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा है ना इसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र
और जो तीसरा होता है इसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब देखो इनके जो अन्य नाम निकले हैं, ये अन्य नाम एक तरीके से इनकी उपयोगिता के आधार पर निकले हैं, अर्थात इनमें जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के आधार पर इनके नाम अलग अलग बताए गए। सबसे पहला पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ समझते हैं, पहले आप इन तीनों को देख लीजिए, फिर हम इनका एक एक का वर्णन करेंगे, एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। अब आपसे कहा जाए कि बेटा आप बताओ प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, या दूसरा नाम क्या है इसका? कृषि क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक या कृषि क्षेत्र कह सकते हैं। फिर आपसे कहें द्वितीय जो क्षेत्र है, इस द्वितीय क्षेत्र का आप दूसरा नाम बताओ, तो इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। अर्थात द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। फिर आपसे कहें बेटा आप बताओ तृतीय क्षेत्र का उदाहरण बताओ, या तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम बताओ, तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। अर्थात पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। तीनों के नाम पढ़े हमने, अब हम तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, तीनों के बारे में समझते हैं अच्छी प्रकार से। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्र। ठीक है, इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि एवं सहायक क्षेत्र। ठीक है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र या प्राकृतिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, ये क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ यह होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका दोहन करके उत्पाद प्राप्त किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, प्राकृतिक क्षेत्र क्या हुआ कि एक तरीके से हम कहें कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका दोहन करते हैं, अर्थात दोहन को क्या बोल सकते हैं? उपयोग बोल सकते हैं ना। उपयोग करके क्या करते हैं? एक नया उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात उनके पास में जो उत्पाद आएगा वो कहाँ से आएगा? वो उत्पाद आएगा उनके पास में प्राकृतिक संसाधन का दोहन करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कैसे? जैसे भूमि है, प्राकृतिक है, जल है, प्राकृतिक है, वायु है, प्राकृतिक है, खनिज है, प्राकृतिक है। इसके अलावा हम कहें तो सूर्य का प्रकाश आता है, वो भी प्राकृतिक है, सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मुख्यतः कृषि की जाती है। इसमें क्या की जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य जो कार्य है वो कृषि है, कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उनको हम प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में कैसे लेते हैं? जैसे कृषि है बेटा, कृषि करने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, कृषि कहाँ करेंगे? भूमि में करेंगे। ठीक है, भूमि में करेंगे। सिंचाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। ठीक है, फसल को तैयार होने के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ये सभी प्राकृतिक है, इन प्राकृतिक जो संसाधन है इनको दोहन करके एक उत्पाद प्राप्त किया जाता है, कृषि प्राप्त की जाती है, अर्थात फसलें पैदा करते हैं ना, फसलें पैदा करते हैं, तो ये प्राकृतिक हो गई। इसके अलावा इससे साइंस इसकी जो सहायक क्रियाएं हैं उनको भी इसमें लेते हैं। सहायक क्रियाएं कृषि के साथ में सहायक क्रियाएं चलती है ना, जैसे एक तरीके से हम कहें खनन हो गया,
अगर ये नहीं है प्राथमिक क्षेत्र तो आपके द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात द्वितीय और क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का जो महत्व है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही है। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा तो द्वितीय क्षेत्र का महत्व भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनमें ईद के जो उत्पाद होते हैं यही इन्हीं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहला प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा नाम क्या हो गया? कृषि एवं सहायक क्षेत्र के, प्राकृतिक क्षेत्र भी बोलते हैं इसे। प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिसे कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उनको प्राथमिक क्षेत्र में लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद हम देखिए, हम जो दूसरा पढ़ेंगे वो है द्वितीय क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र।